Well, there have been communal clashes in Jodhpur and other parts of Rajasthan today. This has marred the Eid celebrations. We're joined now by the Chief Minister of Rajasthan, Mr. Ashok Gehlot. Gehlot sahab, thank you very much for speaking to us. Sir, BJP ko kehna hai ki jo tension hai, jo hinsa hua hai Jodhpur mein, uske wo responsible nahi hai aur kehte hai ki shayad unke khilaf jo bhi bataya ja raha hai wo galat hai. To is pe aap kya kahenge? देखिए, खाली जोधपुर की बात नहीं, देश की बात है, प्रदेश की बात है, पूरे मुल्क में इनका एजेंडा है. क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, कुछ कर नहीं पा रहे हैं. जानबूझ करके ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये एजेंडा दिया गया है जगह जगह पर. करौली में दंगा हुआ हमारे यहाँ पर, मुख्य आरोपी बीजेपी का वहां पर. बट गहलोत जी, जोधपुर जो है ये तो आपका इलाका है, आपके इलाके में ये कैसे हो रहा है? मंदिर तोड़ा गया राजगढ़ अलवर के अंदर, वहां पर बीजेपी का बोर्ड है, उन्होंने प्रस्ताव पास किया. 35 में से 34 जो है मेंबर पार्षद जो है बीजेपी के, वहां पर वहां पे आरोप लगाया कांग्रेस में उन्होंने. जोधपुर में दंगा करवाने के उन्होंने प्रयास किया, फॉर्चुनेटली कहीं कैजुअलिटी तीनों जगह नहीं हुई है जी, और छोटी छोटी घटनाएं हुई जोधपुर के अंदर, उनको हमने काबू में कर लिया है, कर्फ्यू लगाया है. और अपील कर रहे हैं हम लोग सब मिलकर के कि आप शांति बनाए रखें, जोधपुर की जो हमारी महान परंपरा उसको आगे. पर गहलोत जी, आप ये बताइए, जोधपुर तो आपका इलाका है, और आपके इस इलाके में ये कैसे शुरू हुआ, ये हिंसा कैसे शुरू हुआ, ये टेंशन कैसे शुरू हुआ? आपको पहले से पता नहीं था कि ये होने वाला है? जब बीजेपी के नेता जो है दिल्ली के अंदर, उन्होंने अभी 15-20 दिन में बुलाया मीटिंग दिल्ली में बीजेपी नेताओं की, और सबको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, चाहे वो जेपी नड्डा साहब हो, प्रधानमंत्री ने मीटिंग करी, मेंबर पार्लियामेंट की, सबको वहां पर जिस प्रकार से ब्रीफिंग किया गया है वो उसके बाद में इन्होंने आगे बना के चीफ मिनिस्टर को, सरकार को, क्योंकि घबरा गए. क्योंकि हमारे यहाँ बाई इलेक्शन में 8 बाई इलेक्शन है, 6 कांग्रेस जीती है, 2 महीने जमानत जब्त होगी एक जगह इनकी, ये घबरा गए हैं. और अभी से इन्होंने इलेक्शन मोड में लेके आगे डालता नहीं, इलेक्शन मोड, इलेक्शन 18 महीने बाद होंगे, अब से इलेक्शन मोड में लग गए ये लोग. इतना घबरा करके अभी से इलेक्शन मोड पे लेके आ रहे हैं राजस्थान को, इसी ढंग से इनके माहौल बना रहे हैं, ये आपका हिंसा का माहौल बना रहे हैं जो उचित नहीं कहा जा सकता. और बाकी राज्यों में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, अभी से उन्होंने शुरू कर दिया है, बुलडोजर चल रहे हैं वहां पर जी. हमारे यहाँ कानून का राज है, ना बुलडोजर चला सकते हम लोग, ना फेक एनकाउंटर कर सकते हम. तो यहाँ पर हम कानून की रक्षा करने वाले लोग हैं, कानून का राज स्थापित है. मैंने कह दिया, पुलिस को भी कहा है, आप दंगों के वक्त में, कोई हिंसा के वक्त में किसी भी कीमत पर आप उसको रोकिएगा, ना धर्म, ना जाति, ना वर्ग, और ना राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता, कोई हो, हिंसा तभी रुकेगी तब आप एक समान होकर के कार्रवाई करेंगे. तो गहलोत जी, ये बताइए फिलहाल स्थिति जोधपुर में क्या है? इंटरनेट सर्विसेज को बंद किया गया है, कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, और वहां स्थिति अब क्या है? देखिए, अभी 53 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं वहां पर, कर्फ्यू लगा हुआ कई इलाकों के अंदर जी. अभी हमने हेलीकॉप्टर में टीम भेजी जोधपुर में सुबह ही, ACS होम की भी, हमारे गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी गए वहां पर, अधिकारी लोग गए, सब हम कैंप कर रहे हैं जी, और पूरी तरह शांति वहां पर है जी. गहलोत साहब, ये बताइए, प्रधानमंत्री बाहर है, विदेश में है, उनको कुछ कहना चाहिए जो जो राजस्थान में हो रहा है उसके बारे में, या तो महाराष्ट्र में भी काफी टेंशन है, तो प्रधानमंत्री ने फिलहाल कुछ कहा नहीं है, आपके ख्याल से कुछ उनको कहना चाहिए? मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अभी नहीं कहना चाहिए. हम एक महीने से उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं. एक राज्य का मुख्यमंत्री, फेडरल गवर्नमेंट होती है यहाँ पे देश के अंदर, मैं उनसे मांग कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक राष्ट्र के नाम संबोधित कीजिए राष्ट्र को, कि देश के अंदर हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दंगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे. ये मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट को बख्शा नहीं जाएगा. और राज्य सरकार को निर्देश दें, आप अलग से प्राइम मिनिस्टर का एक नेशनल को एड्रेस करना एक अलग मामला होता है, और जो माहौल बन गया देश के अंदर उसको देखते हुए मैंने अपनी भावना प्रकट की थी. मुझे खुशी है कि कई राजनीतिक पार्टियों ने भी मांग करी उनसे कि आपको देशवासियों को संबोधित करना चाहिए.
क्या प्रधानमंत्री को राष्ट्र को संबोधित करते हुए तकलीफ हो रही है, ये मेरी समझ के परे है। गहलोत साहब, ये सिर्फ राजस्थान में नहीं हो रहा है, ये रामनवमी, हनुमान जयंती, रमादान, ये तीनों अवसरों पे हो रहा है और ये हो चुका है। ये वायलेंस, कम्युनल क्लैशेस दिल्ली में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और झारखंड, बंगाल और राजस्थान में, तो ये सिर्फ राजस्थान के बारे में शायद नहीं है, ये ऑल इंडिया अब जो चल रहा है इसके बारे में बताइए। सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरे देश में ये हालात पूरे देश के अंदर है, ये तो खतरनाक हो रहा है। करौली की घटना जब हुई थी हमारे यहाँ पर, नए वर्ष मनाया इन्होंने, तब जो दंगे बढ़ गए थे हमने कंट्रोल किया वहां पर। उसके बाद में जो मैंने इंस्ट्रक्शन जारी किए, आपको खुशी होगी कि राजस्थान के अंदर कहीं पे भी रामनवमी पर कोई दंगे नहीं बढ़ के, बल्कि सभी जाति धर्म के लोगों ने फूल बरसाए जी और आराम से सबने एक दूसरे को स्वागत किया। उसी दिन रामनवमी को सात राज्यों में देश के अंदर दंगे बढ़ के वहां पर गिरफ्तारी हुई और दो तीन जगह पर बुलडोजर चलाए गए थे, ये आपको मालूम है। तो राजस्थान में हमने उस वक्त से ही कार्रवाई करनी शुरू करी है और मैं आपको कहना चाहूंगा आगे भी हमने चाक चौबंद कर रखा पुलिस को, किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे तत्वों को जो हिंसा भड़का रहे हैं। गहलोत साहब, एक चीज बताइए, राजस्थान में भी बुलडोजर्स ने एक 300 साल पुराना मंदिर को डिमोलिश किया था, इसके बारे में आप बता सकते हैं ये कैसे हुआ था? राजगढ़ में जो हुआ उसकी, देखिए राजगढ़ में जो है जी, बीजेपी का बोर्ड बना हुआ वहां पर, 35 मेंबर में 34 इनके हैं, बीजेपी के मेंबर है, मेंबर भी, उन्होंने प्रस्ताव पास किया रास्ता चौड़ा करने का और उसके बाद में उसके रास्ते मंदिर भी आया होगा, टूट गया। तो पूरा जो मैंने कहा एजेंडा दे रखा है इनके नेताओं ने दिल्ली से इनको, उसके अंतर्गत 5 दिन बाद में अचानक ही बीजेपी वाले प्रकट हुए और विरोध प्रकट करने लग गए, धरना दे रहे हैं, 5 तारीख और बड़ा जुलूस निकालने की बात कर रहे हैं। इनको पूछो कि आप जो है शांति स्थापित करने के लिए आगे आएंगे या भड़काने के लिए आगे आएंगे। तो जहां बीजेपी का बोर्ड हो, 35 में 34 मेंबर बीजेपी के हो, सड़क चौड़ी करने का आदेश उन्होंने दिया और उसके बाद में कांग्रेस पे अटैक कर रहे हैं, ये जो इनकी स्थिति बनी गई है मैं समझता हूँ उचित नहीं है और पूरा देश समझ भी रहा है, समझना भी चाहिए। क्या संविधान की धज्जियां उड़ रही देश के अंदर, कानून का राज जो है अगर नहीं रहेगा तो कितने लोग तकलीफ पाएंगे कोई कल्पना नहीं कर सकता। और मैं अनुभव से कह सकता हूँ जितने लेखक है देश के अंदर, पत्रकार है, साहित्यकार है, इतने डिस्कशन में भाग ले रहे हैं, लिख रहे हैं, वो लिखते कई लोग थक रहे हैं बेचारे, ये स्थिति बन गई है। पर ये लोग जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, इनका एजेंडा है कि महंगाई और आपकी बेरोजगारी जो है ध्यान भटकाओ और नया एजेंडा पैदा कर दो। गहलोत साहब, सिर्फ एक और सिर्फ एक और या दो और सवाल। एक तो आपने कहा था कि आपके आपका पर्सनल आपका रेजिग्नेशन का पत्र हमेशा सोनिया गांधी के पास रहता है, ये आपने क्यों कहा था? यार बिल्कुल आज मैंने रिपीट भी किया है जी, क्यों क्यों कहा था आपने? नहीं, मैंने कहा कि बार बार जो अफवाहें चलती रहती है, तो मेरा मानना है कि सरकारें जो है जब स्टेबल रहती है तब अच्छा काम होता है, गुड गवर्नेंस होती है। अगर आप अफवाह के बारे में बात करते तो क्या आप सचिन पायलट के नाम हमेशा आता रहता है, तो आपके ख्याल से कुछ बदलाव आने वाला है राजस्थान में? देखिए मैं आपको मेरा अलग अप्रोच राजनीति करने की जिंदगी में बचपन से ही, और मैं उसी ढंग से राजनीति करता हुआ यहां तक पहुंचा हूं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूं बिना कास्ट के। मेरे राजस्थान असेंबली के अंदर मेरी कास्ट का 1 MLA है मेरी कास्ट का, जबकि हर राज्य में कास्ट के बेस पे आप जानते हो कि 25, 40, 30, 35 MLA होते हैं मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं। हमारे यहाँ 1 MLA है राजस्थान में मेरी कास्ट का, और मैं खुद ही। गहलोत साहब, आप मेरे जवाब को आप मेरे सवाल को जवाब नहीं दे रहे, मैं पूछ रहा था सचिन पायलट के बारे में, क्योंकि आपने अफवाह शब्द इस्तेमाल की, तो मैं ये सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप अफवाह शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सचिन पायलट के बारे में पूछ के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि लोगों तो मतलब कई रिपोर्ट्स हैं कि शायद वो फिर कांग्रेस लीडरशिप से मिल चुके हैं और शायद कांग्रेस में कुछ ना कुछ नया पोस्ट उनको दिया जाएगा। देखिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं इतना कह सकता हूं कि चाहे मीडिया वाले भी जो हैं, आजकल जो नया मीडिया दबाव में सही है मोदी जी के, CBI, इनकम टैक्स, ED,
और उसके कारण से मीडिया के अंदर जो आप लोग एंकर के अलावा भी कई लोग हैं, गहरे से रिसर्च करनी चाहिए कि वास्तव सच्चाई क्या है, उसके बजाय परसेप्शन से या कोई ब्रीफिंग के आधार पर आप लोग न्यूज देते रहते हो। सच्चाई दूसरी होती है। मैंने एक बार कहा था कि राजनीति में जो होता वो दिखता नहीं है और दिखता वो होता नहीं है। ओके और अफवाह चलती रहती है। जी जी, इसलिए मैंने कहा कि एक बार हमेशा के लिए क्लियर कर दो कि मैंने तो 22 साल पहले इस्तीफा दे रखा है। जब सोनिया गांधी जी चाहेगी, कानों कान खबरने लगेगी लोगों को, सुबह खबर पड़ेंगे अखबार के अंदर कि मुख्यमंत्री इस्तीफा हो गया है। तो मैंने जानबूझ के कॉन्शियस मेरा फैसला था मुझे बात कहने का, और कुछ कारण देखा आप समझ सकते हो। फिलहाल गहलोत साहब, एक अंतिम सवाल, अब जो जो हिंसा हो रहा है राजस्थान में, जोधपुर में, जो टेंशन है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको आप क्या कहेंगे? मैसेज टू पीपल इन जोधपुर सर, वेयर देयर इज सो मच टेंशन। जोधपुर वासियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जोधपुर का, मारवाड़ का इतिहास रहा है शांति का, भाईचारे का, प्यार का, अपनायत का। आज गर सिंह जी जो वहां के हमारे पूर्व राजा है, उन्होंने भी अपने दादा की बात कही है कि उन्होंने कहा था दो आंखें मेरी, एक मुस्लिम और हिंदू, और ये दो आंखों को लड़ा रहे हैं जी। तो गर सिंह जी को भी आज अपील जारी करनी पड़ी है उमेश सिंह जी को लेके, जो उनके दादा थे, जिन्होंने कहा दो आंखें मेरी है, एक मुस्लिम हिंदू है। इनके पिताजी थे हरमन सिंह जी, जिन्होंने आजादी के वक्त में जब पार्टीशन हो रहा था तब भी वहां हिंदू मुस्लिम को एक रखा। उनको अपील करनी पड़ी, हम सबकी अपील एक सी है कि आज हिंसा किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। हम आपस में अपनायत रखें, भाईचारा रखें, प्यार से, मोहब्बत से काम करें और हम लोग आगे बढ़ते जाए। ये हमारी अपील है प्रदेशवासियों से भी, और विशेष रूप से आज के दिन जोधपुर वासियों से भी। अशोक गहलोत साहब, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस, एंड आई थिंक दैट मैसेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, अ मैसेज ऑफ पीस एट अ टाइम व्हेन देयर इज सो मच टेंशन एंड स्ट्राइफ। लेट अस होप दैट देयर इज नोबडी हु लूजेस देयर लाइफ। लेट अस होप दैट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रिमेन्स अंडर कंट्रोल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद सर।